एपिसोड में हम एक ऐसे सहाबी के बारे में जिक्र करेंगे कि जिनकी क़द्र मंजिलत बहुत ज़्यादा है और उनकी उम्र भी बहुत तुलानी थी और वो कोई और नहीं बल्कि जनाब जाबिर इबन अब्दुल्ला अंसारी हैं जनाब जाबिर एक ऐसे साहबी हैं कि जिन्होंने अहदीस नकल की है आपको बहुत ज़्यादा हदीसें नकल करने का शौक़ भी था और आपको हदीसें सुनने का इतना शौक था कि बाद वफ़ात रसूल आप, आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई थी लेकिन इसके बावजूद भी आप एक शहर से दूसरे शहर तक फ़कत किसी एक हदीस को सुनने के लिए जाया करते थे और इसके अलावा इमाम सादिक सलाम ने इमाम बाकर सलाम ने इमाम मूसा काज़िम ने बहुत सी ऐसी हदीसें हैं जो आपके ही हवाले से बयान की हैं और आपके बारे में ये भी मिलता है कि जिस वक्त इमाम जैन अलाब्दीन आलम की इमामत का आगाज़ हुआ तो ज़ाहिर है इमाम के पास उस तरह से अहब मौजूद नहीं थे लेकिन उंगली पर गिनने वाले जितने भी अब थे उनमें से एक जनाब जाबिर इबन अब्दुल्ल अंसारी भी थे आपके ज़रिए हम तक बहुत सारी हदीसें पहुंची हैं जिनमें से सबसे मशहूर और वरूफ़ हदीस किस्सा है कि जिसका आगाज़ ही आपके नाम से होता है इसके अलावा हदीस मंजिलत भी आपके ही तवसुद से हम तक आई है हदीस गदीर और वो वाली हदीस कि जिसमें रसूल अल्लाह ने फ़रमाया कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है यह हदीस भी जनाब जाविर इबन अब्दुल्ल अंसारी से नकल हुई है और इमाम मूसा काजिम्लामाम ने भी बहुत सारी हदीसें आपका नाम लेकर नकल किया है सल्ला के बारे में जनाब जाबिर वो पहले जाहिर हैं करबला के कि जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की जीारत का शरफ़ हासिल हुआ और सबसे पहले आपने ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़्यारत करी इसके अलावा जनाब जाबिर को रसूल्लाह ने यह बताया था कि तुम मेरे पाँचवें फर्जंद से मिलोगे और वो मेरा पाँचवा फर्जंद ऐसा होगा कि उसके अंदर इल्म की इतनी कसरत होगी कि गोया वो इल्म का एक पूरा समंदर होगा और उसका नाम मेरे नाम पर होगा लिहाजा जब भी तुम उनसे मिलना तो उनको मेरा सलाम कहना तारीख बताती है कि जनाब जाबिर का आलम यह था कि आप मदीने की गलियों में और मस्जिदों में या बाकरो या बाह कह कहकर सदा लगाया करते थे और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आपकी मुलाकात इमाम मोहम्मद बा़िर आलाम से हुई जिस वक्त आप इमाम मोहम्मद बा़िराम से मिले हैं आपने इमाम के पेशानी पर बोसा दिया और अल्लाह का पैगाम और उनका सलाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम तक हम तक पहुँचाया नाजिन मोहतरम जैसा कि मैंने पहले इस बात का ज़िक्र किया था कि अहले बैत तो रसूल अल्लाह को ऐसे मिले कि जिनकी हम कहीं भी मिसाल हमें नहीं मिलती है लेकिन हम अहल बैत को तो नहीं कह सकते कि ये रसूल अल्लाह के तरबियत याफ़्त आएँ क्योंकि अल्लाह ने उन्हें ख़ुद इतनी इसमत व तहारत के दायरे में खलक़ किया था कि उन्हें अलग से तरबियत की ज़रूरत नहीं थी लिहाजा ज़रूरत इस बात की थी कि ऐसे अफराद हों कि जो आम इंसान आम बशर हों ताकि वो रसूल अल्लाह के किरदार की अक्का कर सकें कि जिनके अंदर हमें दिखे कि वाकया एक सहबिया रसूल को एक रसूल की राह पर चलने वाले को कैसा होना चाहिए लिहाजा उन लोगों के लिए कि जो ये कहते हैं कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं कर सकते उनकी पैरवी करना बहुत सख्त है क्योंकि वो नूरानी हस्तियाँ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी दलील है एक खुला हुआ मैसेज है कि चले ठीक है अगर हम अहल बैत जैसे नहीं बन सकते हम उनके नक्शे कदम पर नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं हमारे पास वो हस्तियाँ भी मौजूद हैं कि जिनका ताल्लुक़ ख़ानदान रसालत से ख़ानदान इमामत से नहीं था बल्कि वो एक आम इंसान थे लेकिन अपने किरद दार को अपने ईमान को अपने तकबे को इस तरह से उन्होंने पायस किया इतना प्योर कर लिया कि वो अल्लाह और रसूल के इतने करीबी हो गए कि जन्नत इन अफराद की मुश्ताक़ बन गई लिहाज़ा हम सबको ज़रूरत है कि अहल बैत के पैरोकार न सही कम से कम अहल बैत के इन ग़ुलामों की पैरवी करते हुए अहल बैत तक हम ज़रूर पहुँच सकते हैं नाजीन मोहतरम आज के एपिसोड में बस इतना ही आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में तब तक बने रहें चैनल विन के साथ वालेकम वक्